देवास के केबी कॉलेज में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं छात्र ने हंगामा कर दिया, जो काफी देर तक चला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है था कि कॉलेज में नियमित क्लास नहीं लग रही है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त से नियम अनुसार क्लासेस लगनी थी, पर क्लास नहीं लग रही है। सिर्फ एक ही विषय की क्लास लग रही है, जिसको लेकर हमें यहां पर प्रदर्शन किया है। प्रभारी प्राचार्य रतन सिंह अनारे ने कहा कि लगातार कुछ न कुछ एग्जाम के चलते क्लास नहीं लग पा रही है, हम जल्द ही क्लास लगने की पूरी कोशिश करेंगे और साफ साफ व अन्य व्यवस्था की समस्या भी जल्द हल करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केपी शासकीय कृष्णाचार्य अपना विद्यालय में जो क्लासेस नहीं लग रही हैं, उन कुछ अन्य विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन करा, जिसमें 22 अगस्त से लेके इनको नियम अनुसार क्लासेस लगानी थी, जिसमें अभी तक कोई सी क्लासेस नहीं लगी, जिसमें अभी एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही थी। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पे आंदोलन करा। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि 3 दिन के अंदर अगर ये क्लासेस लगाने का इन्होंने बोला है और नहीं लगती है, तो विद्यार्थी परिषद चरण में आंदोलन करेगा। अच्छा, कुछ साफ सफाई को लेकर भी आपने सारे ही नियम बोले हैं निम्न करके कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, ना क्लासेस में है, यहाँ पे कॉलेज परिसर में भी कोई साफ सफाई नहीं है, क्लासेस टाइम पे नहीं लग रही हैं। बहुत सारे विषय हमने अवगत कराए सर को, कि जो हम ये 3 दिन का हमने बोला है सर को, ये 3 दिन में इन चीज़ों पर वो होना चाहिए। अगर निराकरण नहीं होता तो क्या रहेगा आपका? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनमत आंदोलन करेगा। आपका परिचय? विजय वर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर मंत्री देवास। नई शिक्षा नीति के नाम पर आप लोग भ्रम फैला रहे हो, नई शिक्षा नीति के नाम पर आप लोग वसूली कर रहे हो। एग्जाम आपकी गलती, आप पता करो।